सो फाइनली इतने टाइम तक बात होने के बाद आज वो दिन था जब मैं और नीतू मिलने वाले थे। बहुत सारी बातें फ़ोन पर हुई, मैसेजेस पर हुई, पर फेस टू फेस आज पहली बार बात होने वाली थी। इस जगह को दिल्ली नोएडा वाले सारे लोग अच्छी तरह पहचानते होंगे। जी हाँ, D&D, यहीं पर पहली बार प्लान बना मेरा और नीतू के मिलने का। एक आदत जो नीतू की हमेशा से थी वो रही लेट होने की। पहली बार मिलते टाइम भी इस लड़की ने मुझे आधा घंटा वेट कराया। मैं D&D पर खड़ा रहा, वेट करता रहा। जब भी कॉल करूं बोलती थी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, और आधे घंटे से ज़्यादा मैंने वहाँ वेट किया। बीच में तो उसने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। मुझे लगा कहीं कोई प्रैंक हो गया हो मेरे साथ, या उसका मन ही ना हो, बस उसने आने के लिए बोल दिया और अब उसका मूड बदल गया हो। और फिर आधा घंटा बाद ये आई और एक्सप्रेशन ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। हाय। हाय। तुम्हारे पास कैश है? कैश क्यों? आगे पुलिस वाले खड़े और तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। सॉरी। तो ये थे इस लड़के के पहले वर्ड्स, ना हाय ना हेलो, सीधा ये बोला कि तुम्हारे पास कैश है। मतलब मैं तो हैरान रह गई। तो तुम्हारे कैमरा वाले को कहाँ से पिक करना है? यार उसने डिच कर दिया एंड मोमेंट में। ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। फोन पर तो बहुत स्टाइल मार रही थी, मेरा कैमरामैन है, मेरा कैमरामैन शूट करेगा, और देखो उसने तो कॉल तक नहीं उठाया। हंस क्या रहे हो, मेरी गलती थोड़ी है। कोई बात नहीं, वेटर ऑर्डर चले फिर। वहाँ पर क्या है? मेरा घर है वहाँ पे, और साथ में मेरा भाई होगा आई गेस घर पे, वो कुछ वीडियोस बना देगा हमारी। अच्छा फिर ठीक है, चले। चलो चलते हैं, वेटर ऑर्डर चलता है। तो तुम वीडियोस कब से बना रही हो? पता नहीं, याद नहीं। तुम्हारी वीडियोस बहुत ट्रेंड होती है वैसे। सच में? हाँ, काफी बार देखा है तुमको फीड पर। जिस टाइम बात नहीं हो रही थी उस टाइम भी तुम्हारी काफी वीडियोस देखता रहता था। अच्छा, यू आर अ नोन फेस। तुम क्रिकेट देखती हो? नहीं। थैंक गॉड। क्यों यार, तुम इतने सारे सवाल मुझसे पूछती ना, अगर तुम देखती होती तो ये क्या करते हो, वो कैसे होता है, ये वो। तो मुझे खुशी है कि तुम्हें क्रिकेट नहीं पसंद। Okay. तुम्हें जरा वैसे समझ भी नहीं आता क्या जरा भी? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम पहाड़ी हो ना? और पंजाबी गाने सुनते हो? हाँ, सरनेम से रावत हूँ, लेकिन दोस्त लोग सब ऐसे ही गाने सुनते हैं तो आदत पड़ गई। अच्छा, तो तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। पहाड़ी समझ नहीं आती, पंजाबी समझ आती है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत बोल भी सकता हूँ, बहुत थोड़ी बहुत। थोड़ा सा बोल के दिखाओ। पंजाबी पंजाबी पंजाबी। तो तुम इतनी दूर रहते हो? I mean, ये तो बहुत दूर है। मैं भी तो तुम्हारे लिए यही बोल सकता हूँ कि तुम इतनी दूर रहती हो। Exactly. लेकिन इतना दूर भी नहीं है, ग्रेटर नोएडा आने का वीजा नहीं लगता अभी भी। अब तो बहुत दूर लगता है। मुझे आदत हो गई यार अब। अच्छा। डेली 1.5 घंटे ड्राइव करना दिल्ली आने के लिए और फिर वापस जाना, तो गाने सुनते सुनते कट जाते हैं। यहीं से पंजाबी सीखी मैंने, चलाते चलाते गाड़ी गाने सुनता रहता हूँ। ज्यादातर FM पे चलते थे, अब शौक लग गया है। अच्छा, और बताओ अपने बारे में कुछ, क्या क्या पसंद है तुम्हें? मुझे फिलहाल एक्टिंग का ज्यादा शौक है। दिखता है वो तो, तुम अपना शौक अपने साथ लेके चलती हो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या क्या करना पसंद है? आई मीन वीडियोस के अलावा, मैच के अलावा। वीडियोस तो कहीं मैं कंसिडर नहीं करता, लेकिन हाँ क्रिकेट मुझे, और साथ में बुक पढ़ना बहुत पसंद है, और पोइट्री सुनना, पोइट्री करना मेरे टाइम पास है वो, और साथ स्पिरिचुअल चीज़ें देखना वो भी एक शौक है मेरा। मज़ा आता है, मतलब आई फील कंप्लीट जब ये सब करता हूँ। अच्छा वाओ यार, इंटेलिजेंट लगते हो। पहला है कोई जिसने मुझे इंटेलिजेंट बोला है। वरना क्या बोलते हैं? सुनना भी घर चल गया मेरे। अच्छा अच्छा। पिक्चर्स में तो ईगोस्टिक लग रहा था, और सामने से देखने तो बड़ा कूल टाइप का लग रहा है, फ्रैंक भी लग रहा है, इवन इंटेलिजेंट भी लग रहा है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम आ गए मेरी सोसाइटी के पार्क में।
यहाँ पर बहुत शांति रहती है और वीडियोस बनाते टाइम कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, तो मैंने इस जगह को चूज़ किया हमारी पहली वीडियोस के लिए। ये बहुत सुंदर एक पार्क है, यहाँ पर हम वीडियो बना सकते हैं। अच्छा। आओ मैं दिखाता हूँ। देखो वीडियो के लिए बहुत सुंदर जगह है और यहाँ तरह तरह के पेड़ है, अनार का पेड़ है और अमरूद का पेड़ है, आम के पेड़ है बहुत सारे। तुम खाने बताओ ये किसका है? ये क्या हुआ? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, इसीलिए पूछ रहा था। तो कहाँ पर शूट करेंगे और कौन शूट करेगा? अभी मैं बुलाता हूँ, यश को मैंने कॉल कर दिया, वो थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा और गोलू, ये दोनों लोग आके हमारी वीडियो बना देंगे। गोलू कौन है? गोलू मेरे मामा का बेटा है, हमारे साथ रहता है। देखो उधर चॉपर भी है, हम ना उसको भी ले सकते हैं वीडियो में। हाँ। है ना सुंदर जगह? हाँ। क्या हुआ यार, पसीने में कितने आ रहे हैं। एक काम करो आओ घर चलते हैं, वहाँ पानी पियेंगे या कुछ जूस वगैरह लेके, उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यहीं पर बुला लो ना। अरे नहीं यार, घर पास में ही तो है मेरा। अरे पास में है, बिल्कुल आओ बराबर में घर है, आ जाओ। और वीडियो बनाने के बाद अब हमारा प्लान बना लखन के घर जाने का, और इस तरह मैं लखन के पहली बार घर गई। तो जैसे ही हम लोग लखन के घर पहुंचे, मैंने देखा लखन का घर बहुत सुंदर था। ये ड्राइंग रूम हमारा, तुम इधर बैठो मैं कुछ लेकर आता हूँ। ओके। पानी चाहिए? जूस चलेगा? नहीं पानी ठीक है। पक्का? हाँ। ठंडा? नॉर्मल। तो जितना घर बाहर से अच्छा था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से अच्छा था। लखन ने मुझे बताया कि ये सारा वर्क जो घर का डिज़ाइनिंग करवाई है वो आंटी ने करवाई है। मानना पड़ेगा आंटी की डिज़ाइनिंग सेंस बहुत अच्छी है। और मुझे एक डाउट हुआ, जैसे ही मैं अंदर घर के गई मैंने देखा लखन की कहीं पर पिक्चर्स नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सच में इसका घर है या फिर ये पागल बना रहा है मुझे। ये लो पानी और अगली बार खुद लेके आना, हमारे घर में सेल्फ सर्विस है। ओके। तो इतने में मैंने देखा मेरी मम्मी के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हुए थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं इतनी दूर ग्रेटर नोएडा आई हुई हूँ, वो भी सिर्फ वीडियोस बनाने। बस तो फिर क्या, मुझे अपने घर के लिए निकलना था जल्दी से जल्दी। तो अब कल वीडियो बनाने के लिए? नहीं कल मेरा शूट है, हम परसों मिलते हैं। परसों शायद मेरा मैच है, अब मैं देखता हूँ, अगर मैच कैंसिल हो या कुछ भी ऐसा हो तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ठीक है? ठीक है। और आज वाली वीडियो यार मुझे दे दो, मैं बहुत लापरवाह हूँ, मैं भूल जाता हूँ अभी। अभी दे दूँ? हाँ दे दो यार, एडिटिंग आती है तुम्हें? हाँ। मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। ओके ठीक है। अच्छा तुम्हारा फोटोग्राफर आएगा कल? हाँ मैं पूछ लूँगी उससे, वो मुझे कॉल करने वाला था, मैंने किया नहीं उसने कॉल। हाँ 5 घंटे हो गए ना। ठीक है ठीक है, तो मैं चलती हूँ घर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर परसों, मैं ड्रॉप करता हूँ ना वहाँ तक। हाँ ओके।